हमको ये लगता ही नहीं तुम दूर कहीं से दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, पे कुछ इस तरह की वीडियो एडिट करने का तरीका कैपकट एप्लीकेशन के अंदर हम सीखने वाले हैं काफी दो लोगों की जो डिमांड थी कि भाई आप काइन मास्टर पे वीडियो बनाते हैं आज आप जो है आप कैप कट एप्लीकेशन पे भी कोई अच्छी सी स्टेटस वीडियो बनाने का तरीका हमें बताएं तो मैंने सोचा आज जो है हम केप कट एप्लीकेशन पे हम स्टेटस वीडियो बनाएंगे जैसा स्टेटस आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है इस तरह के स्टेटस वीडियो हम अपने अपने कैप कट एप्लीकेशन के अंदर बनाएंगे कप कट एप्लीकेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी आप प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं सो तो गाइज इस तरह की वीडियो को आप बनाने के लिए क्या करना होगा इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को ना सब्सक्राइब करना होगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अपने लाजमी से प्रेस करना होगा और वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटीरियल यूज़ करूंगा उन सब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं ओके okay गाइस तो यहाँ पे मैंने कैप कट एप्लीकेशन को ओपन कर लिया ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी ओपन होगी तो अपने फोटोज पे यहाँ पे क्लिक करके जो भी फोटोज आप लगाना चाहते हैं उन सबको फोटो आ, सब फोटो को आप यहाँ पे वन बाय वन सेलेक्ट करके एड पे क्लिक कर दें यहाँ पे मैं एड पे क्लिक कर लेता हूँ एड पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर आप इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा आप रेशो सेलेक्ट करना है उसके लिए यहाँ पर आपने आगे आ जाना यहाँ पर आपको ये देखें यहाँ पे आपको रेशो का ऑप्शन मिलेगा ये देखें इस जगह पर आपने बस क्लिक करना है और जो रेशो सेलेक्ट करना चाहते हैं जहाँ पे मैं नाइन बाय सिक्सटीन वाला रेशो सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद आपने क्या करना नाइन बाई सिक्सटीन वाला रेशो सेक्ट करने के बाद आपने बैक करना है बैक करने के बाद अपने फोटो पर क्लिक करना है ये देखिए मैं फोटो के टाइम लाइन क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद आपने क्या करना इस फोटो को फुल स्क्रीन में कर लेना है ठीक है तो मैं यहाँ पे मैं फोटो को फुल स्क्रीन में कर लेता हूं इसी तरीके से आपके जितने भी फोटोज हैं आपने वन बाय वन सबको फुल स्क्रीन में कर लेना है ठीक है यहाँ पे फुल स्क्रीन में करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपने जो है देखना है ये देखिए यहां पे मैं इस फोटो को भी फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ तो इस तरीके से आप जो भी फोटोज लगाना चाहते हैं उन सबको आपने वन बाय वन फुल स्क्रीन में कर लेना है ठीक है फुल स्क्रीन में करने के बाद आपने एंड में आ जाना है, यहां पर आपको ये कैपकट का एक डेमो देखने को मिलेगा इसे आपने यहां से डिलीट कर देना है तो ये यहां से मैंने डिलीट कर दिया डिलीट करने के बाद फर्स्ट में आ जाना फर्स्ट में आने के बाद सिंपली अब आपने क्या करना यहां पर जो आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है माइनस का या प्लस का इस पर आपने क्लिक कर लेना है ठीक है यहां पर मैं इस पर क्लिक कर लेता हूं आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए उसके बाद यहां पर आपको काफी ट्रांजेक्शन देखने को मिलेगा ये कैमरा पे आपने क्लिक करना है और कैमरा पे क्लिक करने के बाद इस यहां से आपने कोई भी अच्छा सा ट्रांजेक्शन अपने इस फोटो को यहां पर लगा लेना

वीडियो बना उसके बाद आपने पहले वाले फोटो पे क्लिक करना है एंड एन एनिमेशन पे क्लिक करना है एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपको कॉम्बो का ऑप्शन देखने को मिलेगा इस कॉम्बो पे क्लिक करना है इंटरनेट ऑन होना चाहिए ठीक है उसके बाद ये आपको काफी सारे कोम्बोज यहां पे देखने को मिल रहे हैं तो आपने कोई भी अच्छा सा कॉम्बो ट्रांजेक्शन आपने यहाँ पे अपने फोटो पे अप्लाई करना है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला ट्रांजेक्शन मैं ऐड कर लेता हूँ ठीक है उसके बाद यहां पर आपने ओके कर लेना ओके करने के बाद जितने भी फोटोज हैं उन सब पे आपने अलग अलग तरीके से आपने कॉम्बो पे क्लिक करके जो है जितने भी आपको अच्छे अच्छे ट्रांजेक्शन यहाँ पे मिलेंगे ये देखिए

कर लेना है एड ओवरले पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी तो गैलरी में जाकर आपने अपनी एल्बम्स में जाना है जितने भी फोल्डर्स आपके सामने यहां पे शो करेंगे आपने अपने फोल्डर्स के अंदर चले जाना है और यहां पर मैंने जो चीजें डाउनलोड करके कर रखी है सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो यहां पर ये यह देखिए यहां पे मैं शेडो वाला जो पी है यहां पर ऐड कर लेता हूं ठीक है ऐड करने के बाद इस शेडो वाले पीएनजी को मैं यहां पर नीचे ऐड कर लेता हूं इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ठीक है यहां पर ऐड कर लिया ऐड करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है ये देखिए यहां पर अच्छे तरीके से आपने इसे ऐड कर लेना है ठीक है सो so, ऐड करने के बाद आप थोड़ा सा आपने इसे आगे कर लेना है और इसकी जो टाइमलाइन है नीचे आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर क्लिक करके इसकी टाइमलाइन को एंड तक ले जाना है ठीक है ये देखिए यहाँ पे मैं एंड तक लेकर गया उसके बाद आपने क्या करना है और फर्स्ट में आ जाना है फर्स्ट में आने के बाद सिंपली अगेन आपने इस एड ओवरले पर क्लिक करना है ओवरले पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है नीचे आ जाना है नीचे आपको यहाँ पर वीडियोज पर क्लिक करना है वीडियोजे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपके ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट वीडियो आपने इसे ऐड करनी है ये देखिए यहाँ पर इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर मैंने टिक किया और एड पर क्लिक कर दिया एड पे क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पर इसे फुल स्क्रीन में करना है फुल स्क्रीन में करने के लिए आपने क्या करना है अपनी दोनों फिंगर की मदद से इसे फुल स्क्रीन में ये कर लेना है ठीक है ये देखिए यहाँ मैं इसे फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे जो है स्प्लिस का ऑप्शन देखने को मिलेगा इस पर आपने क्लिक करना है ठीक है स्प्लिस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है नीचे आपको यहाँ पर लाइटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा इस पर आपने क्लिक करके लाइटिंग कर लेना है जैसे काइन मास्टर में स्क्रीन का ऑप्शन होता है ब्लेंडिंग का होता है तो इस तरीके से यहाँ पे ये यह, ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है इसका ब्लैक पार्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद अगेन आपने एड ओवरले पे सॉरी आपने बैक करना है बैक करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है यहाँ पे जो है ओवरले पे क्लिक करके दोबारा से एड ओवरले पे आपने क्लिक करना है एड ओवरले पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है ये वाली लैरिक्स ब्लैक स्क्रीन लैरिक्स वीडियो आपने ऐड कर लेनी ऐड करने के बाद थोड़ा सा आपने आगे आना है और इस लैरिक्स वीडियो को आपने क्या करना है यहाँ पर नीचे ऐड कर लेना ये देखिए यहाँ पर मैं थोड़ी सी साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ साइज को इंक्रीज करने के बाद सिंपली यहाँ पर नीचे लेकर आता हूँ और इस जगह पर मैं अपने लैरिक्स को ऐड कर लेता हूँ ठीक है तो ये देखिए यहां पर मैंने ऐड किया और अगेन आपने यहाँ पे इसी ऑप्शन पर क्लिक करना इस प्लेस पर आपने क्लिक करना है स्प्लिस पे क्लिक करने के बाद नीचे आ जाना यहां पे लाइटिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा इस पर आपने क्लिक करना है और इसे आपने यहां पे यू समझा स्क्रीन कर दिया ठीक है और इसका जो ब्लैक पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा ठीक है ये देखिए यहाँ पर अब लिरिक्स ले, वीडियो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं इस तरीके से आपने यहाँ पे इसे ऐड करना है उसके बाद आपने क्या करना है इसे आपने ओके कर लेना है ओके करने के बाद सिंपली यहाँ पे ऐड यहाँ पर ओवर ले का ऑप्शन आपको मिलेगा इस पर आपने क्लिक करके दोबारा से एड ओवरले पर आपने क्लिक करना है दोबारा से आपने एड ओवरले पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर अपने फ़ोटोज़ पे क्लिक करना है और ये जो आपको सॉरी बॉर्डर पीएनजी आपको मैं दूंगा ये आपने इसे ऐड करें ये देखिए यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन बॉर्डर पीएनजी आपने इसे ऐड कर लेना है ये देखिए यहाँ पे मैं इसे ऐड कर लेता हूं ऐड करने के बाद इसे आपने फुल स्क्रीन में करना है ताकि ये जो बॉर्डर में आपको यहां पे ये देखने को मिले ठीक है उसके बाद आपने इसकी टाइम को बढ़ा लेना है जितना स्टेटस है उतना ही आपने इसकी टाइम को भी इंक्रीज कर लेना है देखिए यहां पर Uh, मैं इसे यहाँ पर इंक्रीज़ कर लेता हूँ ठीक है ये देखें इंक्रीज़ हो चुका है उसके बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फालतू पार्ट्स देखने को मिले उस पर आपने क्लिक करना है और नीचे आपको स्प्लिट का ऑप्शन देखने को मिले इस स्प्लिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने इससे जितने भी फालतू पार्ट आगे आपको देखने को मिले उन सबको यहाँ से आपने डिलीट कर देना है यहाँ पर स्प्लिट किया और आगे डिलीट का ऑप्शन मिलेगा ये स्प्लिट पर क्लिक करना है और यहाँ पर स्क्रोल करना है और ये देखें यहाँ पर डिलीट पर आपने क्लिक करके जितने भी फालतू पार्ट्स हैं उन सबको आपने यहाँ से डिलीट कर देना है ये देखें यहाँ पर हमारी वीडियो जो है स्टेटस वीडियो बन चुकी है जो देखने में काफ़ी Awesome लग रही है ठीक है आप इस तरह के वीडियो अपने कैट कट एप्लीकेशन में जो है अंदर बना सकते हैं बिल्कुल ईजी और सिंपल तरीका है कोई भी इशू नहीं अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आए तो इंस्टाग्राम पर आप प्राप्त कर सकते हैं ठीक है उसके बाद वीडियो को सेव करना है एरो पे क्लिक करना है एरो पे क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारी वीडियो सेव होना स्टार्ट हो चुकी है वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना